जीओटी गेम ऑफ थ्रोन्स का थीम। ये कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये मेथड विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 के लिए काम करता है। अभी हम विंडोज 7 के बाय डिफॉल्ट लुक पे जाते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप हम इस थीम तक जीओटी के लिए ले आते हैं। ये है विंडोज 7 का बाय डिफॉल्ट लुक। अब हम इसको जीओटी थीम में, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले थीम में चेंज करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र खोलेंगे, वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे वॉलपेपर जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था। तो उसके लिए हम कहेंगे www.bit.do.got/background। इसको एंटर करेंगे तो ये वॉलपेपर आ गया। इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड हो गया। इसको वापस वहाँ पे जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहाँ पे मैंने खोला इसको और हमने इसको सेट एज राइट क्लिक किया, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब ये वॉलपेपर सेट हो चुका है। हमने ये वॉलपेपर इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो ही असल आयरन थ्रोन का हक रखता है। खैर, तो हमने सबसे सेटिस्फाइंग वॉलपेपर जीओटी का डाउनलोड कर लिया। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे जो बार थी वो वाली और टाइम में यूज हुआ था वो वाला हम करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा वेब ब्राउज़र खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे www.punklabs.com। यहाँ से हमें एक गैजेट डाउनलोड करना है जो कि बार वाला गैजेट था, वो है रॉकेट डॉक। रॉकेट डॉक ये वाला, इसको हमने यहाँ से डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो गया। इसको हमें इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल हो गया। तो अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसको साइड पे ले आना है तो हम इसको साइड पे ले आएंगे, इस किसी भी आइकन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम डॉक सेटिंग में जाएंगे, पोजीशन में क्या कर देंगे लेफ्ट, हो गया। पीछे वाले जो आइकन्स हैं वो शो हो रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन्स हैं सबको ख़त्म कर देंगे, अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके पीछे भी एक और दूसरा भी है, एक पीछे इसके जो है वो उसका था वो हमने डिलीट कर दिया सिलेक्ट करके। ठीक है, तो अब इसको खाली कर देते हैं, अच्छा लगेगा डस्टबिन को। तो अब इसको हाइड करना है तो इसको हमने हाइड बाद में करते हैं, पहले टाइम ले आते हैं। तो टाइम के लिए अब एक गैजेट चाहिए होगा, उसका होता है www.rainmeter.net। इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। फिनिश किया तो ये आ गया, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, अनलोड स्किन, अनलोड स्किन किया, राइट क्लिक करके अनलोड स्किन, राइट क्लिक किया अनलोड स्किन, राइट क्लिक किया अनलोड स्किन। हमें चाहिए टाइम, तो इसके लिए टाइम वाला थीम चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे www.bit.do.rainmeter_theme। यहाँ पे आ गए, ये थीम है टाइम वाला, हम इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो गया। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो गया। अब ये यहाँ पे शो हो रहा होगा ये चीज़, इसको डबल क्लिक करना है हमें, ये लिमिट में जाना है, टाइम में जाना है, क्लॉक में जाना है, इसको लोड कर देना है, ये चीज़ शो होगा। इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ पे लाके रखेंगे। अब इसको हाइड करना है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए और हमने यहाँ पे इसको आठ वाइट कर दिया, स्मॉल आइकन्स कर दिए, ये चीज़ हट गई। यहाँ पे आपके पास दूसरे आइकन्स शो हो रहे होंगे बिल्फर्ज़, है ना,
तो आपने इसको यहाँ से उठा के यूँ ख़त्म कर देना है। और जो आपको आइकन्स चाहिए हो, जो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के वो आइकन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ला के इसको यहाँ पे यूँ रख सकते हैं, फिर इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के आइकन्स यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह हमने GOT थीम अप्लाई कर दिया। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।